अहम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिसर्च टूल्स की रिलायबिलिटी और उनकी वैलिडिटी से मुतल्लिक होते हैं। इन दो करेक्टरिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट पे हम पहले बात करेंगे और फिर इसकी मुख्तलिफ तरह के एविडेंसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक मिसाल जो है वो स्लाइड पे डिस्प्ले की है। अच्छा, ये डायरेक्ट तो शायद इससे मुतल्लिक नहीं है, लेकिन इसके डिस्कशन से आपको ये समझ आ जाएगा कि रिलायबिलिटी ऑफ टूल्स किसको कहा जाता है या वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इनको हमने कैसे आगे लेके चलना होता है। आपके सामने तीन नज़र आ रहे हैं टारगेट बोर्ड्स हैं। ये जब आप देखिए, जब निशानाबाजी करते हैं लोग तो जिस चीज़ पे निशाना लगा रहे होते हैं, इस तरह के बोर्ड्स आपने देखा होगा कि वहाँ लगे होते हैं, जिनमें सबसे दरमियान में जो काले रंग का आपको एक पॉट नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर टारगेट है। और फिर उस टारगेट के गिर्द बहुत सारे दायरे नज़र आ रहे हैं, ये भी बुनियादी तौर पे उस टारगेट के अंदर शामिल हैं, लेकिन ये हर दायरा टारगेट से थोड़ा थोड़ा दूर होता चला जाता है। अब अगर आप इनमें से पहली फिगर को देखिए, जिसमें आप देखें कि बहुत सारे निशाने लगाए गए और ये जो डॉट्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली लोगों ने एरोज़ के ज़रिए से कह लें या पिस्टल के ज़रिए से कह लें, इस पे निशाना लगाने की कोशिश की, तो उनका टारगेट ये था कि वो निशाना उनका दरमियान में मौजूद जो ब्लैक कलर का स्पॉट है यहाँ लगना चाहिए। लेकिन आप पहले वाले बॉक्स में देखिए तो तमाम के तमाम जो निशाने हैं वो उस ब्लैक स्पॉट में नहीं हैं, लेकिन उससे बाहर हैं, लेकिन उन दायरों के अंदर ही हैं, बाहर हैं और तमाम के तमाम टॉप पे एक जगह पे कलेक्ट हुए हुए हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो दरमियान में बोर्ड पड़ा हुआ है उस पे आप देखेंगे तो कोई भी निशाना उस ब्लैक जगह पे नहीं लगा हुआ जो बिल्कुल दरमियान में थी, लेकिन तमाम निशाने जो हैं उन्हीं दायरों के अंदर लेकिन बहुत स्कैटर्ड शक्ल में है, फैले हुए हैं, एक जगह पे उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, फ़र्क फ़र्क जगहों पे लगे हुए हैं। और तीसरे वाले बोर्ड में अगर आप देखिए तो तमाम जो निशाने लगे हैं वो उस ब्लैक स्पॉट के ऊपर हैं या उसके बिल्कुल इर्द गिर्द वाले दायरों में है, उसके करीब जगहों पे हैं। अब इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़र्ज़ कर लीजिए ये शूटर्स थे, ये प्लेयर्स हैं जो शूटिंग की गेम खेलते हैं, और आपको एक शूटर को हायर करना है किसी काम के लिए, तो इनमें से सबसे ज़्यादा आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सा शूटर सबसे अच्छा था इन तीन में से? तो आप देखेंगे कि जो आपके एक्सट्रीम राइट पे नज़र आ रहा है ये वाला शूटर सबसे बेहतर है, क्योंकि एक तो ये कि ये अपने निशाने में बिल्कुल टारगेट के ऊपर है या टारगेट के बिल्कुल करीब जगहों पे है, इसने निशाने लगाए हैं, या तो उसी ब्लैक स्पॉट में है या उस ब्लैक स्पॉट के इर्द गिर्द करीब करीब लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके लगाए हुए निशाने बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं हैं, टारगेट के ऊपर हैं और बिल्कुल करीब करीब लगे हुए हैं सारे। तो अगर मुझे किसी मकसद के लिए किसी शूटर को सिलेक्ट करना हो अपनी टीम में या गेम के लिए, तो मैं सबसे बेहतर मुझे लगता है कि ये वाला शूटर होगा। ये अपना इसका निशाना जो है वो टारगेट पे भी रखेगा और टारगेट के करीब करीब जगहों पे तमाम एक ही कुर्ब जवार में तमाम निशाने लगाएगा। और इनमें से सबसे जो कम ट्रस्ट किया जाने वाला है, आप देखें कि वो दरमियान में है, जिसने तमाम निशानों में से कोई भी ना तो टारगेट पे है, और दूसरी बात टारगेट पे चले ना भी हो वो फैला हुआ है, कभी वो टॉप पे लगा देता है, कभी राइट एक्सट्रीम पे, कभी लेफ्ट एक्सट्रीम पे, रैंडमली हर जगह पे इसका निशाना जो है वो लगा है। तो ना तो देखिए कि ये किसी एक जगह पे लगा सकता है और ना ही उस जगह पे लगाता है जिसके लिए कहा गया है इसको, यानी ना ही वो ब्लैक स्पॉट में निशाना लगा रहा है, और जो लग भी रहे हैं वो पता नहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं लगते हैं। तो लिहाजा ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कम ट्रस्ट किया जाने वाला शूटर होगा, क्योंकि ना तो पता है कि ये तो पक्का पता है कि ये बिल्कुल निशाने पे तो लगाएगा नहीं, और जो लगाएगा भी वो पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। इसके मुकाबले में जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था, अगर आप उसको देखिए तो वो निशाने पे टारगेट नहीं लगाता, यानी जो ब्लैक स्पॉट सेंटर में है
वहां नहीं लगाता, लेकिन जितने भी निशान उसने लगाए वो अपने टारगेट पे नहीं है लेकिन एक जगह पे हैं। उसमें एक बात अच्छी है दरमियान वाले के मुकाबले में कि अगर वो किसी एक जगह टारगेट कर लेगा तो तमाम निशाने वहीं पे लगाएगा। वो जगह बहुत मुमकिन है, बल्कि इस शक्ल में अगर इस पिक्चर में देखें तो वो जगह वो नहीं होगी जहां आपने कहा था, जो आपने टारगेट बताया था वहां नहीं है, लेकिन जहां कहीं भी हैं हैं सारे एक ही जगह पे। तो ये इस लिहाज से तो ठीक है कि ये कंसिस्टेंट है। अब जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ ये वो लफ्ज़ हैं जो किताबों में आप पढ़ेंगे, तो इससे देखिए ये नज़र आता है कि ये कंसिस्टेंट है। यानी कंसिस्टेंट का मतलब है जहाँ पहली दफ़ा निशाना लगा देगा बार बार वहीं निशाना लगाएगा, लेकिन ये टारगेट पे नहीं है, अपनी उस जगह पे निशाना नहीं लगाता जहाँ आपने कहा था या जहाँ आप चाहते थे, लेकिन जहाँ कहीं भी लगाता है कंसिस्टेंट। अगर कोई निशानेबाज या कोई, अब मैं इसको रिसर्च की ज़ुबान में कहूँ तो कोई रिसर्च टूल जो है वो अपनी मेयरमेंट्स में अपने निशाने में टारगेट पे ना हो लेकिन जहाँ कहीं भी हो कंसिस्टेंट हो, तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट होना जो है ये रिलायबिलिटी है कि आपने एक जगह लगाया तो मैं आप पे ये तवक्को कर सकता हूँ कि आप बार बार उसी जगह लगाएंगे निशाना, भले ही वो जगह वो ना हो जो मैंने कही थी। तो आप कंसिस्टेंट तो हो गए लेकिन आप वैलिड नहीं हैं, आप टारगेट पे नहीं हैं, जिस जगह कहा था वहां नहीं है, जिस चीज को हिट करना था उसको हिट नहीं कर रहे आप, लेकिन जिसको भी हिट करना शुरू किया आप मुसलसल उसी को हिट करते चले जाते हैं। तो एक जगह जहां आपको हिट करना था मुसलसल वहां आपने हिट किया तो हम कहेंगे कि आप कंसिस्टेंट हैं, और कंसिस्टेंट होना रिलायबल कहलाता है। ये रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने निशाने में, अपने टारगेट में, अपने जो आपको टास्क मिला है उसमें आप कंसिस्टेंट हैं तो आप रिलायबल हैं। अब ये बात हम टूल्स की कर रहे हैं ना, क्वेश्चनेयर्स की, इंटरव्यू स्केड्यूल की, ऑब्जर्वेशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्वेश्चनेयर एक चीज़ मेजर करता है और बार बार मेजर करने पे भी वही जवाब देता है, यानी फ़र्ज़ कर लें आपने किसी को टूल एग्जीक्यूट करने के लिए दिया तो वो उस पर जो जवाब उसने पहली दफ़ा दिए, आप थोड़ी देर बाद दोबारा उसको वो टूल दे दें, फिर उसे कहें कि जवाब दो, तो फिर वो वही जवाब दे, वो ठीक जवाब ना दे बेशक लेकिन कंसिस्टेंट जवाब दे। जो गलत जवाब पहली दफ़ा दिया वही गलत जवाब दूसरी दफ़ा भी दे दे, तो इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट तो है, जो भी जवाब दे रहा है वो दे उसी को रहा है जो उसने पहली दफ़ा दिया था। हाँ, वो जवाब वो नहीं है जो दुरुस्त होगा। तो कंसिस्टेंट होना देखिए ये है कि आप बार बार एक ही जगह पे रहें, एक जगह हिट करें, तो ये कंसिस्टेंट होना है, और टारगेट पे ये नहीं है, साफ ज़ाहिर है कहा इसको था दरमियान में। दूसरे वाले को देखें तो वो ना तो टारगेट पे है और ना ही कंसिस्टेंट है, हर दफ़ा एक नई जगह पे, अनएक्सपेक्टेड जगह पे रैंडमली वो फायर कर देता है या शूट कर देता है, और टारगेट पे भी नहीं है, टारगेट उसका वो ब्लैक सर्कल था सेंटर वाला। तो दूसरे वाला जो है वो ना ही टारगेट पे है और ना ही कंसिस्टेंट है, इसका मतलब है ना वो रिलायबल है और ना ही वैलिड है। पहले वाले में ये था कि वो रिलायबल था, कंसिस्टेंट था, तो इसका मतलब रिलायबल था लेकिन वो टारगेट पे नहीं था, वैलिड नहीं था। तीसरे वाले को देखिए, वो टारगेट पे भी है, ब्लैक वाली जगह पे टारगेट है उसका, तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट भी है और अपनी टारगेट पे भी है, वैलिड भी है। टारगेट पे होना वैलिड होना कहलाता है, और बार बार टारगेट को हिट कर सकना, मल्टीपल टाइम्स उसी जगह को हिट करना जहाँ कहाँ था, तो इसका मतलब है कि ये उसका टारगेट जो है वो कंसिस्टेंट भी है अपने टारगेट पे। तो आप तीसरे वाले सर्कल में देख रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल दरमियान वाले काले सर्कल के ऊपर तमाम फायर्स हैं और उसके इर्द गिर्द बाकी निशान लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये वाला शूटर जो है ये टारगेट पे भी है और कंसिस्टेंट भी है, तो हम कहेंगे कि ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है लिहाजा रिलायबल है, क्योंकि ये टारगेट पे है लिहाजा ये वैलिड है। तो ये दो बातें जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपने इसी तरह अपने जहन में इस एनालॉजी से इनको समझ के जहन में महफूज कर लीजिए कि रिलायबल होना जो है ये कंसिस्टेंट होना है। इसका मतलब है कोई ऐसा शूटर जो कि टारगेट पे हिट ना कर रहा हो इसके बावजूद वो रिलायबल हो सकता है, और जो
अपने टारगेट को भी हिट करता हो और बार बार उसी टारगेट को हिट कर सकता हो यानी कंसिस्टेंट भी हो, तो हम कहेंगे ये वैलिड भी है और रिलायबल भी है। अब यहाँ एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या कोई टूल ऐसा हो सकता है हमारा, कोई क्वेश्चनर, कोई भी डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट जो कि रिलायबल तो हो लेकिन वैलिड ना हो। ये तो पहली पिक्चर में आपको दिखा दिया हमने। क्या इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि कोई टारगेट जो टूल है वो वैलिड है लेकिन रिलायबल ना हो? क्या ऐसा मुमकिन है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और सोचिए कि देखिए जो रिलायबल होगा ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो। ये तो हमने पहले वाली पिक्चर में दिखा दिया। क्या इसका ऑपोजिट भी दुरुस्त है? इसका जवाब आप खुद से तलाश करने की कोशिश करें या फिर इससे आगे आने वाले मॉड्यूल्स को सुनिए, उसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा।